बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। आइए दादू लीजिए, भूख नहीं है पुत्र। दादे भूख नहीं है या मन नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप ऋषभ जी को लेकर बहुत परेशान, रात भर से आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन दादी मैं कह रही हूँ आपको, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप कुछ और मत खाइए, सिर्फ चाय के साथ एक बिस्किट खाए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। प्रीता पुत्र रहने दे, फूस ना कर। राखियां दी, मैं जानती हूँ कि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि भूख प्यास मर जाती है, लेकिन हमें इस सिचुएशन में रहना नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना है, लड़ना है, इसका सामना करना है, जिसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, अपने आप को इस तरह पनिश करेंगे तो कमजोर पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। और एक बार सोचिए, अगर ऋषभ जी को पता चल गया कि घर में कोई बीमार हो गया तो वो पहले ही इतने टूटे हुए हैं, वो बहुत टूटेंगे। ऋषभ जी के लिए खा लीजिए। प्रीता पुत्र इधर। देख मुझे बीमार नहीं पड़ना, मुझे ऋषभ के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है, ऋषभ को भी संभालना है, लेकिन ऋषभ से पहले मुझे खुद संभालना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ऋषभ भी तो यहाँ नहीं है ना मुझे संभालने के लिए। मैं चाय बिस्किट खा लूंगी। जो काम शर्लिन को करना चाहिए था वो ये प्रीता कर रही है। ये शर्लिन है कहाँ? जब जरूरत होती है इसकी तभी ये लड़की गायब हो जाती है। ये नहीं कि होने वाले ससुराल में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, सुबह होते ही आज हम गुड मॉर्निंग यस एडवोकेट सुभाष मलकानी। आई एम सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैं ऋषभ की फाइल स्टडी कर रहा था, उसके सारे सबूत गवाह सब चेक कर रहा था। वो कहता है ना होमवर्क जितना स्ट्रॉन्ग हो केस उतना ही मजबूत होता है। गुनाहगार इन बेगुनाह आउट। मेरा ऋषभ बेगुनाह है, मेरे बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया। मैं जानता हूँ मेरे क्लाइंट गुनाहगार नहीं होते। मेरे भाई ने वाकई कुछ नहीं किया। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे क्लाइंट कुछ नहीं करते। सर उन पे बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं जानता हूँ अक्सर मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया गया होता है। मिस्टर मलकानी कैन वी जस्ट टॉक बिजनेस हियर?